उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हिंसा फैलाने के आरोपियों से संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई के मामले में पीछे हटने को तैयार नहीं है। राजनीतिक जुलूसों, विरोध प्रदर्शनों, आंदोलनों के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों से क्षतिपूर्ति वसूलने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रॉपर्टी डैमेज क्लेम्स ट्रिब्यूनल्स का गठन करेगी। क्लेम्स ट्रिब्यूनल को सिविल कोर्ट की सभी पावर मिलेंगे और उसी रूप में काम करेगा। उसका फैसला अंतिम होगा और उसके खिलाफ किसी कोर्ट में अपील नहीं की जा सकेगी। क्षतिपूर्ति पाने के लिए संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटना के 3 माह के अंदर क्लेम ट्रिब्यूनल के सामने आवेदन करना होगा। आवेदन में 30 दिन की देरी को ट्रिब्यूनल माफ कर सकता है यदि आवेदक इसकी वाजिब वजह बताता है। हड़ताल, बंद, दंगों और लोक उपद्रव के कारण सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को हुए नुकसान की भरपाई कराने के लिए बनाया गया उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2020 रविवार को लागू हो गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मंजूरी के बाद यह अध्यादेश सरकारी गजट में अधिसूचित हो गया। अध्यादेश को लागू करने के लिए सरकार नियमावली बना सकती है। अध्यादेश के मुताबिक संपत्ति को नुकसान की FIR पर आधारित संबंधित पुलिस क्षेत्राधिकारी की रिपोर्ट और इस दौरान इकट्ठा की गई अन्य सूचनाएं प्राप्त होने पर DM या पुलिस कमिश्नर या कार्यालय प्रमुख को लोक संपत्ति को क्षति पहुंचाए जाने की तारीख से 3 माह के अंदर अधिकरण के समक्ष दावा याचिका दाखिल करने के लिए कदम उठाना होगा। वहीं क्षतिग्रस्त हुई निजी संपत्ति के मालिक को संबंधित थानाध्यक्ष या थाना प्रभारी से ऐसे रिपोर्ट की प्रति हासिल करने के बाद अपनी दावा याचिका 3 माह के अंदर दाखिल करनी होगी।